हिमाचल प्रदेश में जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पांचों राज्यों के कुछ लाभार्थियों से ऑनलाइन बात की है जो सस्ती दवा ले रही हैं। और हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग तहसील के सरोग गांव के कृष्णा वर्मा से प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बात की और कृष्णा ने पीएम को बताया कि उसे उच्च रक्तचाप, डायबिटीज और हार्ट से संबंधित दवाइयाँ खानी पड़ती है। जो दवाइयाँ पहले निजी दुकानों से हर महीने 6000 रुपये में मिलती थी, वही दवाइयाँ अब जन औषधि केंद्र में मात्र 800 रुपये में मिल रही है। कृष्णा ने इन केंद्रों को मोदी की दवा को दुकान बताया है और कार्यक्रम का शुभारंभ शिमला के रिज मैदान पर सुबह 10 बजे हुआ। कृष्णा ने प्रधानमंत्री को बताया कि किसान परिवार से होने के चलते उन्हें घर पर गुजारा चलाना मुश्किल हो जाता था। हर माह हजारों रुपए दवाइयों पर खर्च हो रही थी, दवाइयां जीवन भर खानी है। अब पता चला तो मोदी की दवा की दुकान से दवाइयां खरीदने पर इतने पैसे बच जाते हैं कि घर का खर्च भी चला रहा हूं और बचत भी हो रही है। दूसरी ओर मोदी से बात करते हुए महिला ने बताया कि एक समय ऐसा भी आया कि दवाइयों पर हजारों रुपए प्रति माह खर्च होने पर उन्होंने दवाइयां छोड़ जीवन समाप्त करने की सोच रही थी, लेकिन जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाइयां मिलने के बाद फिर उम्मीद जगी और उन्होंने कहा कि वह अपने जान पहचान रिश्तेदारों को भी इन्हीं केंद्रों से दवाइयां खरीदने के लिए प्रेरित कर रही है। कृष्णा वर्मा ने प्रधानमंत्री को हिमाचल के किसानों, बागवानों और गरीब लोगों के लिए देवदूत बताया। महिला ने कहा वह प्रार्थना करती है पीएम मोदी की दीर्घायु हो। मोदी ने कहा उन्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि आज ठियोग के लोगों के दर्शन हुए, बड़ी संख्या में लोग यहां बैठे हैं और रिज मैदान पर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, IGMC के प्रचार डॉक्टर रजनीश पठानिया आदि मौजूद रहे।